हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त न्यूयॉर्क में ठीक ठाक हैवी वाला स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। बहुत सर्द मौसम है, तेज़ हवा चल रही है, लेकिन बहुत मज़े का मौसम है, इंजॉय करने वाला मौसम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं तो इस वक्त प्रेफर करूँगा सोने को। और उम्मीद करता हूँ कि आपसे सुबह मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्नो साफ़ करने वाले इंतहाई ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं भी एक चीज़ बताता चलूँ कि जब ये स्नो होने वाली होती है, इसकी प्रेडिक्शन होती है और पता होता है कि स्नो होने वाली है, तो इन्हीं ट्रकों के ऊपर यही लोग जो होते हैं वो सड़कों के ऊपर सॉल्ट फेंकते हैं, नमक फेंकते हैं। नमक जो होता है वो एक ख़ास लेवल तक की जो स्नो है उसको कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन ज़ाहिर है फिर एक ख़ास लेवल आता है, जब स्नो उस लेवल से ऊपर चली जाती है तो सॉल्ट उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर ये लोग जो हैं फिर ट्रकों के ज़रिए ऐसे स्नो को साफ़ करते हैं। और इन लोगों ने सारी रात इसी तरह ही काम किया होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ। और आई रियली अप्रिशिएट दैम। और ये है कि इन्हीं की वजह से देखें कि ये सारे रोड्स नीट क्लीन कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग या बाकी लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो सुबह अपने काम पे जा सके। ये देखें, हमारा पार्किंग लॉट भी इन्होंने तकरीबन साफ़ कर दिया है, साथ सड़क भी साफ़ कर दिया है। इसी तरह अगर आप हाईवे पे चले जाएँ तो हाईवे भी इन्होंने इसी तरह नीट क्लीन कर दिया होगा। और इस तरह जब ये स्नो को साफ़ कर देते हैं तो उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं ताकि जो हल्का फुल्का पानी होता है या नमी होती है वो फिर जो है वो ब्लैक आइस में चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ मैं एक ये भी चीज़ आपको बताता चलूँ, इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ हाईवे को और सड़कों को, बड़ी जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनको साफ़ करने की है। यहाँ जब स्नो होती है तो फिर एक और इशू भी होता है कि घरों के, ज़ाहिर है स्नो तो हर जगह ही पड़ जाती है, घरों के सामने जो स्नो होती है वो घर के मालिक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको साफ़ करेगा, चाहे वो उसको नमक डाल के करे, चाहे वो उसको शवल से करे, जैसे भी करे वो करे। तो वो घर के, वो घर वालों की ज़िम्मेदारी होती है, जो घर का ऑनर होता है। अगर किसी वजह से घर के सामने स्नो आपने साफ़ नहीं की, साइडवॉक को साफ़ नहीं किया, और किसी कोई भी इंसान जो है वहाँ से स्लिप हो जाए, गिर जाए, उसको चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए उस स्नो की वजह से, तो वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, अदालत में लेके जा सकता है। जब वो आपको अदालत में लेके जाएगा तो वहाँ पर अगर ये साबित हो गया कि वाकई आपने अपने घर के सामने जो साइडवॉक है, फुटपाथ है, जो घर के सामने जगह बनी हुई है वो उसको साफ़ नहीं किया था और उसकी वजह से इस बंदे को चोट आई है, तो लॉ ये है कि फिर आपको हज़ारों लाखों डॉलर्स में जुर्माना हो सकता है, काफ़ी हैवी वाला डॉलर्स में जुर्माना हो सकता है। तो उस जुर्माने को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि घर का ऑनर जो है वो अपने घर के सामने जो एरिया है उसको साफ़ रखे, और अगर नहीं रखेगा तो बस फिर समझे उसकी हार जाएगी, ठीक है, और उसको भुगतना पड़ेगा। तो आगे बस अब ये देखें, मैं शुक्र है कि इन्होंने ये सारा नीट क्लीन कर दिया है। मैंने भी बस काम पर, जॉब पर निकलना है, बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। तो फिर अब मुझे नीचे जाके गाड़ी भी साफ़ करनी पड़ेगी। स्नो की जो है, स्नो अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन स्नो की एक बस यही बुरी बात मुझे लगती है कि उसके बाद काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है। इवन इस तरह स्नो के सड़कों को बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के बावजूद भी चांस होता है कि आप स्लिप हो सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो गाड़ी जो है वो स्लो। अच्छा जी, हम अपने देखते हैं कि स्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, और ये देखें गाड़ियों में कैसे ज़्यादा कितनी स्नो है। ये तो भी उन्होंने काफ़ी सारी साफ कर दी है, और मुझे भी इसी तरह, मेरी गाड़ी है उनकी कहीं और मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। ये काफ़ी सारा काम है, ठीक ठाक काम है, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी कौन सी।
हवा काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है जब होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ये सारा काम करना पड़ता है तो फिर स्नो बहुत बुरी लगती है। गाड़ी साफ की जाए कुछ लोग होते हैं वो गाड़ी की सारी बर्फ साफ करते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर आप जल्दी में हैं तो आपको सारी बर्फ साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी गाड़ी के शीशे साफ कर लें। ठीक है, तो भी गुजारा चल जाएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठेंगे आप हीटर ऑन करेंगे, फिर जब गाड़ी चलती है तो हवा से भी काफ़ी ये बर्फ वगैरह जो है पर ये बर्फ पड़ी हुई है, ये साफ कर लें तो अच्छा है, ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये जो है जब गाड़ी चलेगी तो ये हवा से सारी उड़ जाएगी और गाड़ी नीचे से नीट क्लीन निकल आएगी।
सारा काम करना पड़ता है, फिर मुझे स्नो बहुत बुरी लगती है। इसके अलावा यहाँ का रोड के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी नीट क्लीन की हुई है ये रोड्स, लेकिन जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है तो फिर जो है वो जो हल्की हल्की नमी सी है वो भी वो ब्लैक आइस में चेंज हो जाती है। हल्का हल्का जो पानी होता है वो ब्लैक आइस में चेंज हो जाता है। लेकिन खैर अभी तो सूरज निकल आया है तो होपफुली कोई इतना मसला नहीं है। रात को जब दोबारा टेम्परेचर गिरेगा तो फिर अगर स्नो ना भी पड़े तो स्नो के बाद इस पानी की वजह से ब्लैक आइस बन जाती है। ब्लैक आइस जो है वो स्नो से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ब्लैक आइस नज़र नहीं आती, उसका पता नहीं चलता। उसका पता तभी चलता है जब गाड़ी स्लिप हो जाती है, इसीलिए फिर गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी पड़ती है। और तकरीबन क्या कह लें कि 20-25 की स्पीड से ऊपर ना ही जाएं तो वो बेहतर होता है, वरना एनीथिंग कैन हैपन। ऊपर किया है, ऊपर की जो स्नो है इसका अल्लाह मालिक है। ये बस जब मैं चलाऊंगा तो सारी जो है वो हवा से वॉश हो जाए। ये देखें ये सारी अंदर पर बोला यहाँ से एक बात याद रखें कि लाइटें अपनी ज़रूर क्लियर करें, ताकि जब आप कोई टर्न लें इंडिकेटर ऑन करें गाड़ी का तो जो दूसरे लोग हैं वो देख सकें कि आपकी टर्निंग लाइट ऑन है, क्योंकि तो उसकी वजह से हादसे से बंदा बच जाता है। अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स के ऊपर बर्फ है तो आपने बेशक इंडिकेटर ऑन भी किया हुआ है तो किसी को नज़र नहीं आएगा, तो उससे हादसा होने का खतरा है। होपफुली ओके ये भी छोटे छोटे काम है जो That's a lot. अच्छा जी, बाहर इंतहाई तेज और इंतहाई ठंडी हवा चल रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मोर डिस्कवरिंग वीडियोस के लिए। मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। हाय फ्रेंड्स, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। आल्सो प्रेस द बेल बटन टू सब्सक्राइब टू एमरन्स चैनल।
Remember Discovery America with Imran Mazir Aida. Okay, take care.